वेल 27th ऑफ फेब्रुआर से शुरू हो रहा है एक नया शो, एक नया रियलिटी शो जो बना रही है एकता कपूर एंड ओटीटी स्पेस में डेब्यू कर रही है कंगना रनौत, जो खुद कंट्रोवर्सी की क्वीन एंड बॉलीवुड की भी क्वीन है। और इन दोनों को एक साथ अगर आना है, एक दोनों एक साथ अगर आ ही रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके उनका जो शो है उतना ही बैडास होने वाला है, उतना ही कंट्रोवर्शियल होने वाला है। और इसीलिए लॉकअप अत्याचारी जो जेल होने वाली है, पीपल आर वेरी वेरी एक्साइटेड कि आखिर शो में क्या होने वाला है, क्योंकि ये बैडास नो जो जेलर है, जो शो की होस्ट है, वो खुद ही कंट्रोवर्सी की क्वीन रह चुकी है और अभी भी कंट्रोवर्सी में आए दिन घेरी जाती है। तो इनका ये जो शो है जहाँ पे वो होस्ट करने वाली है 16 कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स को इन द लॉकअप, तो किस तरह से शो होगा इसको लेके एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन एक और नई कंट्रोवर्सी जो है, हम कह सकते हैं कि आज शो के ट्रेलर लॉन्च पे कंगना रनौत ने फिर एक बार खड़ी की। आखिर किसके बारे में क्या कहा उन्होंने आज के ट्रेलर लॉन्च में, बताती हूं आपको इस वीडियो में। देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, ट्रेलर लॉन्च के समय जब वो इंटरैक्ट कर रही थी मीडिया के साथ, तब उनसे एक सवाल पूछा गया था कि आप इंडस्ट्री में से किन ऐसे दो लोगों को लॉकअप में सबसे पहले लॉक करना चाहते हो, जेल में सबसे पहले लॉक करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड करण जौहर को सबसे पहले वहाँ पे लॉक करूँगी एंड आई मेक श्योर कि मैं उनका अच्छे से जो है ख्याल रखूँ। आई होस्ट फॉर हिम एंड उनके साथ मुझे बड़ा मज़ा आएगा। साथ ही साथ एकता कपूर को भी वो वहाँ पे लॉकअप करना चाहेंगी, यानी जो शो की मेकर है एकता कपूर का भी उन्होंने नाम लिया। एक बहुत बड़ी बात कह दी, एकता कपूर का नाम लेना इज़ ओके, क्योंकि खुद ही शो जो है एकता कपूर ही बना रही है। लेकिन बात हो रही है उनके आर्च एनिमी, जब से कॉफ़ी विद करण पे वो गई थी, नेपोटिज्म का जो टर्म है इंट्रोड्यूस हुआ था और उसके बाद से जो है करण वर्सेस कंगना हमें हर जगह दिखाई दे रहा है। और इसी के चलते जो है इन दोनों का जो दुश्मनी है, इन दोनों का वॉर है, बिल्कुल भी ख़त्म होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। अब इसी के बीच जो है कंगना ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट कह दी है कि मैं लॉकअप में सबसे पहले डालना चाहूँगी मेरे बेस्ट फ्रेंड को, सरकाजम के साथ कहती है कि करण जौहर को वो यहाँ पे लॉक करने वाली है। वेल, इस बैडास जेल के अंदर कई सारे सेलिब्रिटीज़ का नाम लिया जा रहा है कि कौन कौन इस शो का हिस्सा बनेगा। इसके चलते फैंस जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि आखिर कौन ऐसे 16 कंटेस्टेंट्स होंगे जिनके साथ ये अत्याचारी खेल जो है बैडास जेल के अंदर खेला जाएगा, लॉकअप के अंदर खेला जाएगा। तो आपको क्या है कहना, जिस तरीके से कंगना ने करण जौहर का नाम लिया है, क्या करण जौहर इसके ऊपर कोई रिप्लाई देते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अगर हम देखें तो एकता कपूर एंड करण जौहर काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अगर बात करें करण वर्सेस कंगना की, तो भाई फायरवर्क्स है वहाँ पे, झगड़े ही झगड़े हैं। सो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कंगना का ये स्टेटमेंट सुनने के बाद किस तरह से रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे करण जौहर। व्हाट्स योर टेक ऑन इट, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या आपको लग रहा है ये शो जो कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स के साथ गया होगा, क्या इस शो को सक्सेस मिल पाएगा? व्हाट्स योर टेक, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू गाइस वेरी सून, तब तक लीव अ बैड टेक केयर।